बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वेलकम कहता हूँ सब लोगों को आज की ट्रेनिंग में। आज की ट्रेनिंग का टाइटल अंडरस्टैंडिंग द ई नंबर्स फॉर फूड एडिटिव्स एंड देयर हलाल और हराम स्टेटस। हम आज की ट्रेनिंग में जो है ई नंबर्स के बारे में देखेंगे कि ई नंबर्स क्या होते हैं। आप सब लोगों ने एटलीस्ट एक दफ़ा नाम तो ज़रूर सुना होगा ई नंबर्स का, जितने भी फूड एनालॉजिस्ट हैं। तो ई नंबर्स को स्पेशली हम फूड एडिटिव्स के हवाले से देखते हैं। फूड एडिटिव्स क्या होते हैं इस बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, और इसी तरह जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके बारे में भी डिस्कशन होगी। इसी तरीके से इनका हलाल और हराम का स्टेटस क्या है, शरिया में ई नंबर्स और जितने भी फूड एडिटिव्स हैं इनके बारे में क्या गाइडलाइंस हैं, इस बारे में भी हम थॉरली स्टडी करेंगे। तो पहले मैं एज यूजुअल पाक प्योर लाइन का थोड़ा सा तारुफ कराता चलूँ। पाक प्योर लाइन इज बेसिकली स्पेशलाइज्ड इन फूड सेफ्टी, न्यूट्रिशन एंड हलाल एडवाइजरी, ट्रेनिंग, ऑडिटिंग, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन सर्विसेज। वी आर कमिटेड टू इनोवेशन, क्वालिटी, कॉस्ट इफेक्टिव एंड सुपीरियर कस्टमर सर्विस that meets international standards of food quality assurance and system requirements. So these are the programs which are being shown here on the screen. We are conducting different kinds of awareness sessions and online trainings as well. Today's training is also part of that training, program. As we reaffirm our commitment that of providing comprehensive and one-stop solutions in our field of expertise, we are offering our services to food industry and academia as well. In food industry, we are running our different projects regarding food, nutrition and halal consultancy. We are also offering food quality assurance system technical audits and third party certifications on food safety, HACCP, ISO or FSSC 22000, ISO 9001 quality management system, halal and BRC. Also, we are offering R&D and product development services and analytical lab analytical services to food industry. So this was a short introduction about PAK Pure Line. So let's move towards today's training. Before going towards today's training, I will like to discuss regarding our partnership with academia and industry, through which we are conducting different kinds of projects in collaboration with these organizations that logo has been mentioned here. Okay, topic of today's training is understanding the E numbers for food additives. आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है तो प्लीज हेल्प करें, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आप प्लीज अपनी हैंड फ्री को फ्रेश करें या अपना सिस्टम फ्रेश करें। सभी लोगों को आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है, आप प्लीज एक दफा अपना सिस्टम या हैंड फ्री फ्रेश करें। जी सब लोगों को आवाज आ रही है, एक दफा कंफर्म कर दीजिए। जी ठीक है, आ रही है। ओके, एक दफा मैं फिर से कंफर्म कर दीजिए, सब लोग मुझे क्लियरली सुन सकते हैं ताकि हम कंटिन्यू करें। ओके जी, हम अपनी आज की ट्रेनिंग का बकायदा आगाज करते हैं। द टॉपिक ऑफ टूडेज ट्रेनिंग इज अंडरस्टैंडिंग ई नंबर्स फॉर फूड एडिटिव्स एंड देयर हलाल और हराम स्टेटस। सबसे पहले हम देखेंगे कि ई नंबर्स होते क्या हैं। ई नंबर्स बेसिकली जो है ना फूड एडिटिव्स के हिसाब से होते हैं, मतलब जो बेस है ई नंबर्स की वो फूड एडिटिव्स हैं। सो इसके लिए हम जो फूड एडिटिव्स हैं इनको थॉरली स्टडी करेंगे। कंटेंट्स हमारे जो हैं इसमें हम कवर अप करेंगे कि फूड एडिटिव्स होते क्या हैं, वाई फूड एडिटिव्स आर यूज, टाइप्स ऑफ फूड एडिटिव्स कौन कौन सी हैं, क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, इसी तरह ई नंबर्स क्या होते हैं, ई नंबर्स क्या होते हैं, ई नंबर्स की क्लासिफिकेशन क्या है, रेगुलेशन
फॉर ई नंबर्स, हलाल और हराम स्टेटस ऑफ ई नंबर्स, ये सारी चीजें हम आज की ट्रेनिंग में कवर अप करेंगे. ओके, व्हाट आर फूड एडिटिव्स? फूड एडिटिव्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन पार्टिसिपेंट्स आपके आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप में से कोई इसका आंसर देना चाहे कि फूड एडिटिव्स क्या होते हैं, फूड एडिटिव्स किसको बोलते हैं या इनका रोल या फंक्शन क्या होता है. आप में से कोई बंदा इसका जवाब देना चाहे या किसी को इस बारे में नॉलेज हो. हेलो, जी पार्टिसिपेंट्स, सब लोग मुझे सुन सकते हैं? आई थिंक डिस्टॉर्शन है, सिस्टम में कोई इशू है. एक दफा कंफर्म कर दीजिए सब लोग मुझे सुन सकते हैं. जी सर, आपकी आवाज आ रही है. ओके, तो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है सब लोगों से. मैं चाहूंगा कि इसमें पार्टिसिपेट करें कि ई नंबर्स क्या होते हैं, सॉरी फूड एडिटिव्स क्या होते हैं. कोई इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे, कोई क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहे, व्हाट आर फूड एडिटिव्स? फूड एडिटिव्स बेसिकली यही है कि जो फूड के अंदर ऐड किए जाते हैं ताकि उसकी क्वालिटी को इन्हेंस कर सकें, उसको प्रिजर्व कर सकें, उसके टेस्ट को इन्हेंस कर सकें. मतलब उसको एडिटिव का एडिशन से है ना, तो हम ऐड करते हैं उसके अंदर. ओके, दैट्स वेल, यू हैव डिफाइंड इट वेल, आई अप्रिशिएट यू. ओके जी, अब हम प्रॉपरली देखते हैं फूड एडिटिव्स क्या होते हैं. फूड एडिटिव्स बुनियादी तौर पे ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि फूड के अंदर प्रोसेसिंग के दौरान उसमें ऐड किए जाते हैं. एडिटिव्स या मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को प्रोसेसिंग के दौरान फूड में ऐड करने का मकसद मुख्तलिफ हो सकता है. फॉर एग्जांपल, प्रोसेसिंग के दौरान उसकी क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, प्रोसेसिंग कंडीशंस में टेम्परेचर की वजह से उसका कलर फेड हो सकता है, उसका फ्लेवर मास्क हो सकता है, उसके और फिजिको केमिकल पैरामीटर्स जो ना वो चेंज हो सकते हैं ड्यू टू प्रोसेसिंग कंडीशंस और प्रोसेसिंग पैरामीटर्स. सो इस वजह से हम उस प्रोडक्ट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स, एजेंट्स जिनका मुख्तलिफ पर्पज़ हो सकता है, वो हम ऐड करते हैं ताकि उसके जो सब्जेक्ट है हमारा अंडर स्टडी उसको हम टैकल कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, अगर कलर फेड हो जाता है तो हम उसके कलर को प्रॉपर एक शेड देने के लिए हम उसमें कलरेंट्स ऐड करेंगे, उसका फ्लेवर प्रॉपर करने के लिए हम उसमें फ्लेवरेंट्स ऐड करेंगे, या इसी तरह उस प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के लिए सॉरी प्रिजर्व करने के लिए हम उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे. सो जितने भी केमिकल्स हैं इन सबको हम फूड एडिटिव्स बोलते हैं. पार्टिसिपेंट्स एक दफा कंफर्म कर दीजिए सबको आवाज आ रही है. जी सर, आवाज आ रही है. ओके, आ रही है. ओके, सम ऑफ द फूड वी ईट आर फ्रेश, देयर नॉट प्रोसेस्ड. इन फूड प्रोसेसिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सर्टेन केमिकल्स आर एडेड, दे आर कॉल्ड फूड एडिटिव्स. मतलब दो कंडीशंस हैं, या तो हम फूड को फ्रेशली कंज्यूम करेंगे या हम फूड को किसी तरीके से प्रोसेस करके यूज़ करेंगे. सो जब हम प्रोसेस करके फूड को यूटिलाइज करेंगे तो वहाँ पे हमें कुछ सर्टन अमाउंट्स ऑफ केमिकल्स आर नीडेड टू बी एडेड ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग. सो फूड एडिटिव्स हैज बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज. द एंशंट रोमन्स वुड यूज स्पाइसेस सच एज सैफ्रन टू गिव फूड अ रिच येलो कलर. सैफ्रॉन यूज किया जाता है था पुराने वक्तों से, अभी भी किया जा रहा है उसको फूड को येलो कलर देने के लिए.
salt and vinegar were used to preserve meats and vegetables for long voyages. इसी तरह salt है उसका जो vinegar है सिरका है इसको meat या इसकी meat products को preserve करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है. In the 1960s, regulators decided to make a standardized list of these additives. Food additives are substances that are added to foods with a technological purpose at a different stages of their manufacturing, transportation or storage. अब बुनियादी तौर पे मतलब ancient times से मुख्य food additives use किए जाते रहे हैं, लेकिन 1960s में इस चीज को डिसाइड किया गया, रेगुलेटर्स ने इस चीज को महसूस किया कि क्यों ना ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स अदर देन फूड उसमें ऐड किए जा रहे हैं फॉर सम रीजंस, क्यों ना उनको सबको स्टैंडर्डाइज किया जाए, उनको रेगुलेट किया जाए, उसको किसी मैकेनिज्म के तहत लेके आया जाए ताकि उनकी हर चीज का हमें इलम हो, कैसे ऐड करना है, क्या कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में ऐड करनी है. सो सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए इसको एक स्टैंडर्डाइज्ड लिस्ट तैयार की गई 1960s में. अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी भी फूड एडिटिव को उस प्रोसेस फूड में ऐड करने का मकसद क्या है, टेक्नोलॉजिकल पर्पज उसका है, मतलब उसकी जो जो ऑर्गेनोलेप्टिक पैरामीटर्स हैं, जो मुख्तलिफ स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ें हैं उनको हमने मेंटेन करना है. ओके अब इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि फूड एडिटिव्स हम उस प्रोडक्ट की अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए ऐड कर सकते हैं, टेक्सचर इम्प्रूव कर सकते हैं हम उससे, रेजिस्टेंस टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स टू से कि इसमें उस फास्ट फूड प्रोडक्ट में प्रिजर्वेशन इफेक्ट देने के लिए हम सर्टन टाइप्स ऑफ फूड एडिटिव्स हम यूज कर सकते हैं. तो ओवरऑल जनरली ये कि फूड इंडस्ट्री में फूड एडिटिव्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है. तो जब हम इसके इस्तेमाल की तरफ देखते हैं तो डेफिनेटली हमें इस चीज़ को रेगुलराइज करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है, कोई मैकेनिज्म के तहत उसको उन चीज़ों को उस प्रोडक्ट में ऐड करने की ज़रूरत है ताकि उनके साइड इफेक्ट से भी बचा जा सके, उनके गलत या सस्पिशियस यूज से भी उस चीज़ से बचा जा सके. तो उसके लिए हमें फिर उसको रेगुलराइज करना है सारी चीज को. सो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसने इस तमाम आस्पेक्ट को डील किया है. वो आगे चल के हम पढ़ेंगे कौन सी बॉडी है, क्या उसका मैकेनिज्म था, किस तरीके से उन्होंने इस सारी चीज को रेगुलराइज किया. द ऑथराइजेशन टू यूज एन एडिटिव इज सब्जेक्ट टू थ्री कंडीशंस. अब तीन कंडीशन है जिसकी बेस पे आवाज नहीं आ रही, सॉरी जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है आप प्लीज अपनी हैंड फ्री रिफ्रेश करें, मोस्टली लोग मुझे सुन पा रहे हैं. जी एक दफा कंफर्म कर दीजिए सब लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है. जी सर आपकी आवाज आ रही है. ओके जिन लोगों को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी हैंड फ्री को रिफ्रेश करें या अपने सिस्टम को एक दफा रिफ्रेश करें. मोस्टली लोग मुझे सुन सकते हैं, स्लाइड्स भी देख सकते हैं. कुछ एक दो लोग हैं इधर, कैसर इकबाल साहब बार बार मैसेज कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं. आप प्लीज कॉल से अवॉइड करें, जस्ट मैसेज कर दें. और दूसरा ये है कि अगर आवाज नहीं सुनाई दे रही तो अपनी हैंड फ्री या सिस्टम को रिफ्रेश करें. ओके हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि जो ऑथराइजेशन टू यूज एन एडिटिव सब्जेक्ट टू थ्री कंडीशंस, तीन कंडीशंस हैं जिस वजह से किसी भी एडिटिव को फूड प्रोडक्ट में ऐड किया जा सकता है. वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? एक तो टेक्नोलॉजिकल नीड है. टेक्नोलॉजिकल नीड में उसका कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल अपीयरेंस को हमने बेहतर करना है, उसका टेक्सचर, उसका फ्लेवर, उसका जो टेस्ट है वो इम्प्रूव करना है, उसकी ओवरऑल अपीयरेंस, उसके ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करना है. सभी चीज़ों को मतलब जो भी टेक्नोलॉजिकल पर्पज़ है उस बेस पे हम उसमें एडिटिव
यूज कर सकते हैं. द सफिशिएंट टेक्नोलॉजिकल नीड कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड एंड व्हेन द शॉर्ट ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी अचीव्ड बाय द ओवरऑल अदर इकोनॉमिकली एंड टेक्नोलॉजिकली यूजेबल मेथड्स. They do not represent a danger to health of the consumer in the proposed doses to the extent that it is possible according to the available scientific data. अब दूसरा aspect क्या है कि उसके health concerns ना हो, means to say उसका safety by data available हो, उसके accordingly उसकी safety studies मौजूद हो, science based studies मौजूद हो, जिस base पे हम ये consider कर सकते हैं कि वो food ingredient मतलब का food ingredient उस product के अंदर ऐड किया जाना चाहिए या नहीं. इसी तरह दे डू नॉट मिसलीड द कंज्यूमर. ओके, इसमें मतलब कंज्यूमर को जो चीज ऐड की गई है वही लेबल के ऊपर शो की जाए, दिखाई जाए, तो ये मिसलीडिंग के जुमरे में आता है कि अगर कुछ और चीज ऐड की गई और दिखाया कुछ और गया, ऊपर शो कुछ और किया गया है, तो ये मिसलीडिंग के जुमरे में आता है. इस चीज को भी अवॉइड किया जाना चाहिए. और ये तीनों मैकेनिज्म है जिस बेस पे इसकी ऑथोराइजेशन की जाती है. Why food additives are used? जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि to ameliorate the flavors, enrich the food flavor, improve the food color, इसी तरह उसकी preservation है, और sometimes nutritional value को भी improve किया जाता है. However, nutritional value एक major subject under study नहीं है food additives के केस में. However, to some extent or in some cases, nutritional value को भी इन्हांस किया जाता है, या जो भी हम जो भी हम एडिटिव्स हम ऐड करते हैं फूड प्रोसेसिंग के दौरान, वो कुछ खास ऐसी आइटम्स हैं जो उसकी प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव करती हैं. ओके, टाइप्स ऑफ फूड एडिटिव्स. फूड एडिटिव्स की कितनी इकसाम हैं? वैसे तो नंबर ऑफ फूड एडिटिव्स आर नियर अबाउट 5000, जो कि मुख्तलिफ फूड प्रोडक्ट्स में मुख्तलिफ प्रोसेसिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंगली यूज किए जाते हैं. हाउएवर बेसिकली जो फूड एडिटिव्स हैं वो तीन किस्म के हैं. उसमें सबसे पहली इसकी किस्म है नेचुरल फूड एडिटिव्स. दे आर फाउंड नेचुरली सच एज एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम बीट रूट जूस यूज एज अ कलरिंग एजेंट. मतलब कोई भी ऐसा फूड एडिटिव जो नेचुरली प्रेजेंट है, जो किसी प्लांट एक्सट्रैक्ट प्लांट से हासिल होता है, या किसी एनिमल से किसी खास मतलब जो प्रोसेस के बाद हासिल होता है, या इसी तरह मैन मेड फूड एडिटिव्स हैं. दे आर सिंथेटिक आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड नेचुरली सच एज बेंजोइक एसिड यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव. अब ये मैन मेड फूड एडिटिव्स क्या हैं? ये सिंथेटिक आइडेंटिकल हैं, लेकिन ये क्या हैं, नेचुरली मौजूद हैं, उनकी कॉपी खुद से तैयार की गई है. मतलब मैन मेड फूड एडिटिव जितने भी हैं उनकी बेस जो है वो नेचुरल फूड एडिटिव्स ही हैं. इसका मतलब ये हो सकता है कि जितने भी नेचुरल फूड एडिटिव्स हैं उनका कुछ स्पेशल इफेक्ट इन्हांस करने के लिए उसको खुद से इम्प्रूव किया गया है, उसकी कुछ नेचर को चेंज किया गया है, इसको हम मैन मेड फूड एडिटिव्स बोलते हैं. नंबर थर्ड इज आर्टिफिशियल फूड एडिटिव्स. आर्टिफिशियल फूड एडिटिव्स ऐसे हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड सिंथेटिकली एंड नॉट फाउंड नेचुरली, जिनको टोटली लैब के अंदर तैयार किया गया, मुख्तलिफ केमिकल्स को आपस में उसका कम्बिनेशन बना के उसकी केमिकल नेचर को चेंज करके या मुख्तलिफ कंडीशंस में उनको प्रोड्यूस करके. दे मे बी यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन सम डेयरी प्रोडक्ट्स एंड इन सेमोलिना एंड टेपियोका पडिंग्स. मुख्तलिफ फूड प्रोडक्ट्स में मुख्तलिफ आर्टिफिशियल फूड एडिटिव्स यूज किए जाते हैं. सो बुनियादी तौर पे तीन टाइप्स हैं फूड एडिटिव्स की. ओके, अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. फूड एडिटिव्स को जैसे मैंने पहले बताया कि उनका जो पर्पस ओरिएंटेड है, इस बेस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है फूड एडिटिव्स को. पिछली स्लाइड को थोड़ा दोबारा से जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, मैनमेड वाले. मैन मेड मैंने जैसे पहले बताया है कि जितने भी नेचुरल फूड एडिटिव्स हैं उनको खुद से मतलब उसमें उनमें अल्टरेशन की जाती है. अल्टरेशन फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग सम स्पेसिफिक
नीड बेस्ड, मीन्स टू से फॉर एग्जाम्पल एक नेचुरल कंपाउंड है उसको किसी खास मकसद हासिल करने के लिए उसकी केमिस्ट्री को चेंज किया जाता है या उसी से रिलेटेड कोई उसकी कॉपी तैयार की जाती है ताकि हम जो एक खास मकसद है उसको अचीव कर सकें। मिसाल के तौर पे टेक्नोलॉजिकल पर्पज इसका हो सकता है कि हमने जो कलर है उसका इफेक्ट तेज करना है तो उसको फिर नेचुरली इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल को टोटली लेबॉरेटरी के अंदर सिंथेटिकली तैयार किया जाता है विद मिक्सचर ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। तो इस चीज में डिफरेंस करना, डिफरेंशिएट करना बड़ा जरूरी है नेचुरल और मैन मेड में। दोनों इनकी बेस सेम है, नेचुरल तो प्योरली मतलब नेचुरल है लेकिन मैन मेड में इनकी बेस नेचुरल है लेकिन इनको फर्दर इम्प्रूव किया जाता है ताकि उनसे एक खास किस्म का मकसद हासिल किया जा सके। जैसे यहाँ पे मेंशन है बेंजोइक एसिड, ये एक प्रिजर्वेटिव इफेक्ट है तो डेफिनेटली इसकी बेस जो है वो नेचुरल कंपाउंड ही है। ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बुनियादी तौर पे उनकी फूड एडिटिव्स की जो जो फंक्शन है उस बेस पे इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल प्रिजर्वेटिव इफेक्ट देने के लिए उनको प्रिजर्वेटिव्स की कैटेगरी में लिया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स को, उनका जो मुख्य फ्री रेडिकल्स को मास्क करने का मैकेनिज्म है उस बेस पे उनको एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। सीक्वेस्ट्रेंट्स जो हैं मुख्य फूड प्रोडक्ट्स के अंदर कोई ऐसी हमें फंक्शनल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होती है कि उस प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स को हमने सेग्रीगेट करना है, कंपार्टमेंट्स को अलहदा अलहदा करना है तो उस पर्पज़ के लिए सीक्वेस्ट्रेंट्स को यूज़ किया जाता है। इसी तरह ह्यूमेक्टेंट्स प्रोडक्ट को मॉइस्ट रखने के लिए, इमल्सीफायर्स हैं, मुख्तलिफ जो इमल्शंस हैं उनमें ऐड किया जाता है लाइक दो डिफरेंट जो फेजेस हैं ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल इमल्शंस हैं उनको मेंटेन करने के लिए, जैसे पानी और दूध की एग्जांपल है या इसी तरह क्रीम की एग्जांपल है मेयोनी या इसके अलावा जो और क्रीम जो आयरन की एग्जाम्पल है उनमें इमल्सीफायर्स यूज़ किए जाते हैं। इस तरह स्टेबलाइजर्स हैं, थिकनर्स हैं, एंटी केकिंग और एंटी फोमिंग एजेंट्स हैं, कलरेंट्स हैं, फ्लेवरेंट्स, एसिडुलेंट्स, बल्किंग एजेंट्स, स्वीटनर्स। तो ये जितनी भी क्लासिफिकेशन है सभी की बेस ये है कि उस प्रोडक्ट उस चीज़ की हम फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए इनको अकॉर्डिंगली क्लासीफाई कैटेगराइज करते हैं। आगे चल के हम इनके फंक्शन पढ़ेंगे, इनके रोल्स पढ़ेंगे और कौन कौन सी कैटेगरीज इनमें आती हैं, क्या क्या ई नंबर हैं, सभी को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ये जितने भी हैं इसकी क्लासिफिकेशन है इसको वन बाय वन आगे एक्सप्लेन करेंगे। एग्जैक्टली, हम आगे चल के अगली स्लाइड्स में डिटेल से पढ़ेंगे। चलें ठीक। ओके ओके, अभी तक हमने फूड एडिटिव्स के बारे में पढ़ा है। फूड एडिटिव्स क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका मकसद क्या है, उनकी टाइप्स कौन सी हैं, उनकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे की जाती है। आगे हम ई नंबर्स पढ़ेंगे। ई नंबर्स भी बुनियादी तौर पर फूड एडिटिव्स की ही आगे एक क्लासिफिकेशन स्कीम है। फूड एडिटिव्स को किस बेस पे हमने क्लासिफाई करना है उसको हम ई नंबर्स बोलते हैं। ओके जी, ई नंबर्स क्या होते हैं, आपने मुख्तलिफ जो भी पैकेज प्रोडक्ट्स हैं, ऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर देखा होगा मुख्तलिफ ई नंबर्स लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल E120, E330, E210, E212, इस तरह से और मुख्तलिफ कई कोड्स होते हैं। ये आपने अक्सर देखे होंगे किसी भी प्रोडक्ट का पैकेज, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट होती है ना, वहाँ पे आप देखें तो इसका ऑप्शन होते हैं। हेलो, यस, तो इस तरीके से ई नंबर्स किसी भी पैकेज प्रोडक्ट के ऊपर उसके लेबल के ऊपर मेंशन होते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ई नंबर्स ये होते क्या हैं। इनको बुनियादी तौर पे हम फूड इंग्रेडिएंट नंबर्स बोलते हैं कि उस प्रोडक्ट के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो एडिटिव्स ऐड किए गए हैं उनका नंबर क्या है, इसको हम ई नंबर बोलते हैं। ई नंबर्स आर नंबर कोड्स फॉर फूड एडिटिव्स एंड आर यूजुअली फाउंड ऑन फूड लेबल्स थ्रू आउट द यूरोपियन यूनियन। अब इसमें एक चीज समझने वाली है कि ई नंबर्स, ई स्टैंड्स फॉर यूरोप और यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में ये एक कंसेप्ट दिया गया था कि हम जो फूड एडिटिव्स हैं उनको कैसे रेगुलराइज करें, कैसे उनको स्टैंडर्डाइज करें, किस तरीके से उनकी कैटेगरी
बनाएं ताकि उनको हम प्रॉपर वे में उसके फंक्शनल प्रॉपर्टीज की बेस पे हम उनको फूड के अंदर ऐड कर सकें। तो यूरोपियन यूनियन ने ये बुनियादी कंसेप्ट दिया था ई नंबर्स को, सॉरी फूड एडिटिव्स को रेगुलराइज करने के लिए, जिसको हम ई नंबर्स बोलते हैं। नॉर्मली ईच फूड एडिटिव इज असाइंड अ यूनिक नंबर, दो ओकेजनली रिलेटेड एडिटिव्स आर गिवन एन एक्सटेंशन ए बी सी और वन और टू टू अनदर। आगे मतलब अगर आपने गौर किया होगा तो ई नंबर्स के साथ बात कर E160 स्मॉल ए भी लिखा होता है। अब ये ए और बी और सी जो ना आगे फर्दर उसी ई नंबर की सब डिवीजन होती है। अब ई नंबर्स को लिखा क्यों जाता है, क्योंकि हमने उसके केमिकल नाम को किसी एक खास कोड के साथ रिप्लेस कर दिया। मिसाल के तौर पर सिट्रिक एसिड अगर हमने इस जूस के अंदर ऐड किया, तो बजाय हम सिट्रिक एसिड उस पैकेज प्रोडक्ट के ऊपर लिखने के, हम उसका स्पेसिफिक ई नंबर लिख सकते हैं, जिसको थ्रू आउट द वर्ल्ड एक खास कोड के साथ पहचाना जा सकता है कि ई 330 या 300 और समथिंग लाइक दैट, जो भी है डेफिनेटली खास एडिटिव का ही कोड होगा। इसी तरीके से इनकी आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है। ओके, द नंबरिंग स्कीम फॉलोज दैट द इंटरनेशनल फूड एडिटिव नंबरिंग सिस्टम INS एज डिटरमाइंड बाय द कोडेक्स एलिमेंटेरीज कमेटी। दो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस सारे ई नंबरिंग को रेगुलराइज करते हैं। इसमें मेन रोल इंटरनेशनल फूड एडिटिव नंबरिंग सिस्टम का है और इसकी फर्दर गाइडलाइंस कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के अंदर भी मौजूद हैं, जिसको कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमेटी रेगुलराइज करती है। इन द यूरोपियन यूनियन द ऑथराइजेशन ऑफ फूड एडिटिव रिक्वायर्स एन असेसमेंट ऑफ इट्स सेफ्टी बाय द यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी। अब ई नंबर्स कौन से ऐड करने हैं, किस तरीके से ऐड करने हैं, किस बेस पे ऐड करने हैं, वो इस चीज़ को डिटरमिन करता है कि उसकी जो सेफ्टी परस्पेक्टिव्स हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू हेल्थ सेफ्टी परस्पेक्टिव्स, उनको देख के उन ई नंबर्स को स्पेसिफिकली ऐड किया जाए। अब इस चीज़ को रेगुलराइज करती है यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी EFSA, जो कि इसकी तमाम हेल्थ गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि किस बेस पे इस ई नंबर को उस प्रोडक्ट के अंदर ऐड किया जाना चाहिए या नहीं, या कितनी क्वांटिटी में उसको ऐड किया जाना चाहिए। ई नंबर्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई सारे क्वेश्चन है मेरे इधर जी के, थोड़ा सा ये बताइए कि ई नंबर्स को रेगुलराइज करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे रीजन क्या थी, और मतलब थोड़ा सा इसके पीछे रीजन जो हम पीछे सारी चीजें पढ़ी हैं, अगर आप थोड़ा सा इसको प्लीज फोकस करें तो सारी चीजें मैंने इसमें डिस्क्राइब की हैं कि मतलब एक तो ये है कि कोई भी कंपाउंड किसी भी मतलब क्वांटिटी में अगर ऐड कर दिया जाए, माइट इट बी पॉसिबल कि वो उस प्रोडक्ट के रेलेवेंट ना हो, ठीक है, या उसकी डोज जो है वो एन मुमकिन है उसके अकॉर्डिंगली भी ओवर डोजिंग हो जाए, जिसके एडवर्स साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ओवरऑल जनरली स्पीकिंग हेल्थ, जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो एक बेस हैं ई नंबर्स को रेगुलराइज करने के। अब जैसे मैंने पहले बताया है कि ये सिस्टम मैकेनिज्म वजा करने की ज़रूरत है, जैसे एंशंट टाइम्स में फॉर एग्जांपल सेफरॉन यूज होता रहा है एज अ येलो कलरिंग एजेंट। माइट इट पॉसिबल, मेरी आवाज़ सुन रहा है तो प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। आप प्लीज़ अपनी हैंड फ्री को सेट करें सर, बाकी सब लोग सुन सकते हैं, आपके पार्ट पे इशू है, आप अपनी हैंड फ्री को ज़रा सेट करें या अपना सिस्टम को ओके करें। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि इसकी रेगुलराइजेशन की जरूरत क्यों पेश आई। डेफिनेटली इसके पीछे फूड सेफ्टी और हेल्थ कंसर्न्स हैं, जिस बेस पे हमें इनको रेगुलराइज करने की जरूरत पेश आई। और ये यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी जितने भी उसके हेल्थ से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं उनको बेस बनाते हुए इंटरनेशनल फूड एडिटिव नंबरिंग सिस्टम और कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमेटी ने इस सिस्टम को वजह किया। ई नंबर्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई फूड एडिटिव्स विच आर ऑफिशियली प्रूव्ड एज सेफ टू कंज्यूम। अब यहाँ पे वही चीज आ रही है कि जो ऑफिशियली अप्रूव्ड हैं सेफ टू कंज्यूम, उनका जो हेल्थ से रिलेटेड परस्पेक्टिव्स हैं उनको देखते हुए उस बेस पे उनको कैटेगराइज किया गया। एडिटिव्स मस्ट बी असेस्ड फॉर सेफ्टी बिफोर दे कैन बी यूज्ड इन फूड टू इंश्योर द साइंस ऑन एडिटिव्स
is strictly reviewed, the law strictly enforced, and the action taken where problems are found. Okay, having a single unified list of food additives was first agreed upon in 1962 with food coloring. अब जितने भी food additives हैं, जिसमें food colorants हैं, food additives में preservatives हैं, उसके thickener agents हैं, sweeteners हैं या other एजेंट्स हैं, सभी को टाइम बाय टाइम इनमें रेगुलराइजेशन आई गई, इनमें इम्प्रूवमेंट्स आए गए, इनके न्यू से न्यूअर वर्जन्स आते गए. फॉर एग्जांपल 1962 में फूड कलरिंग्स को जो है वो रेगुलराइज किया गया. इसी तरीके से अगर हम देखें तो 1964 में प्रिजर्वेटिव्स के बारे में डायरेक्टिव्स आए, उनके सेफ्टी लेवल्स को असेस करने के बाद उन पे प्रॉपर गाइडलाइंस आई कि किस तरीके से उनकी ई नंबरिंग मैकेनिज्म बनाया जाए. इसी तरह 1970 में एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में डायरेक्टिव्स आए, 1974 में मल्सीफायर्स, स्टेबलाइजर्स, थिकनर्स और जेलिंग एजेंट्स के बारे में डायरेक्टिव्स आए. तो इसी तरीके से इनमें मॉडिफिकेशंस और अपडेटिंग आती गई. अभी तक जितने भी फूड एडिटिव्स मौजूद हैं सभी में मजीद बेहतरी की गुंजाइश है और उनमें डेफिनेटली अपडेट्स आती रहती हैं. उसी बेस पे उनको कैटेगराइज भी किया जाता है, उसी बेस पे उनमें इम्प्रूवमेंट्स भी की जाती रही हैं. हाउएवर इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि डोज रिस्पांस मैकेनिज्म जो है विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ परस्पेक्टिव और फूड सेफ्टी डाटा, इस पे आगे काम करने की ज़रूरत है और काम हो भी रहा है डेफिनेटली. इसी बेस पे उनको आगे लिस्टिंग में इसके न्यू वर्जन आते रहे हैं या न्यू गाइडलाइंस आ रही हैं. A full list of additives in the European Union is published by the Food Standard Agency UK. So when they become food components, they are considered ingredients and therefore must be included in food. अब हम ई नंबर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि किस तरीके से ई नंबर्स को स्पेसिफिक नंबर्स और नेम्स दिए जाते हैं. तो इसको हम ई नंबर्स क्लासिफिकेशन में कंसिडर करेंगे. The International Food Additive Numbering System has been developed by the Codex Committee on Food Additives and Contaminants, CCFAC, to establish an agreed international numerical system for the identification of food additives in the list of ingredients as an alternative to the declaration of the specific name, which is usually long and of a complex chemical nature. अब यहाँ पे जो है chemicals sorry food additives को हम E numbers की classification क्यों करते हैं, उसके basic reason यही है कि एक तो उनको regularize करना है. regularize करने के लिए system में ये है कि जैसा कि उनके नाम मतलब बड़े हो सकते हैं या उनके chemical compounds के name वो complex हो सकते हैं. अब हर चीज़ को हम package के ऊपर mention नहीं कर सकते, ठीक है, ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस कि उनका केमिकल कंपाउंड कैसे मेंशन किया जाए, किस तरीके से, मतलब स्पेस का इशू भी हो सकता है या ओवरऑल एक यूनिकनेस या सिमेट्री जो है उसको भी देखने के लिए हम उनको ई नंबरिंग सिस्टम में कंसिडर करते हैं. तो इसको हम ई नंबर क्लासिफिकेशन बोलते हैं. एज स्टिपुलेटेड इन द कोडेक्स जनरल स्टैंडर्ड फॉर लेबलिंग, आइडेंटिफिकेशन नंबर्स शुड ओनली बी यूज टूगेदर विद द जेनेरिक नेम्स that makes sense to consumers as descriptions of the effective functions of food additives. अब ये है कि मतलब जो Codex General Standards for Labeling हैं उसमें ये है कि उस जो ख़ास additive है उसकी मतलब एक generalized way में और चीज़ों को मतलब उस हिसाब से consider करना है कि कंज्यूमर्स उसको प्रॉपर वे में उसकी डिस्क्रिप्शन तक एक्सेस हासिल कर सके. फॉर एग्जांपल किसी एक प्रोडक्ट का केमिकल जो कंपाउंड है उसको मेंशन उस तरीके से नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए हमें फिर ई नंबर से मतलब देखना पड़ता है. फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड है या टार्ट्राजीन कलर है, इसको मतलब E102 लिखना ईजी है. इसी तरीके से E102 एक यूनिफाइड स्टैंडर्ड है जो कि थ्रू आउट वर्ल्ड रिकोगनाइज है. इसको हम E102 से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि E102 के बिहाइंड कौन सा केमिकल कंपाउंड या कौन सा एडिटिव इसमें यूज किया गया है. द लिस्ट आर नीदर कंप्लीट नॉर इंक्लूसिव एंड मे अंडरगो चेंजेस एंड एडिटिव्स आर रीक्लासिफाइड. जैसे मैंने पहले बताया है कि जैसे जैसे इनकी क्लासिफिकेशन इम्प्रूव होती जा रही है इसको फर्दर रीक्लासीफाई किया जा रहा है. मतलब उसमें कोई नई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की बेस पे या उसका जो सेफ्टी डाटा है, उसका फूड सेफ्टी के जो कंसर्न्स हैं, हेल्थ पर्सपेक्टिव्स हैं, उस बेस पे इसमें इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं. मुझे
Therefore, in relation to the form in which the additives must appear in the food labels, they are allowed to appear by their name or by the corresponding E number, which is the code which they are authorized by the competent authority. That is to say, when tocopherol-rich extract is used as an antioxidant, the labeling may include antioxidant tocopherol-rich extract or antioxidant E306. अब लेबलिंग के ऊपर इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि टॉप मतलब इसका एक यूनिफाइड जो स्टैंडर्ड है, यूनिफाइड ई नंबर है, उस बेस पे हम उसको मेंशन कर सकते हैं या स्पेसिफाई कर सकते हैं लेबल के ऊपर. सो द लेबल्स अपीयर एज फॉलो. अब लेबल के ऊपर मेंशन कैसे करना है या किस तरीके से इसको कंसिडर करना है. द लेटर ई अपीयर्स फर्स्ट. E stands for European Union or Europe. यहाँ से एक यूनिफाइड स्टैंडर्ड उसकी निशानदेही होती है कि यूरोपियन यूनियन ने ये सिस्टम दिया है, उस बेस पे हम इसको E कंसिडर कर रहे हैं. The fact that an additive has an assigned E number gives assurance that the additive has passed safety controls and that it has been approved for use in the European Union. अब जिस भी additives के साथ E mention होगा उसका मतलब ये है कि इस एडिटिव को यूरोपियन यूनियन ने पास किया है, रेगुलराइज किया है. किस बेस पे रेगुलराइज किया है, उस कंसिडरिंग दैट इंग्रेडिएंट्स सेफ्टी डाटा और फूड सेफ्टी कंसर्न्स और हेल्थ कंसर्न्स, इस बेस पे इसको पास आउट किया है और उसके बाद इसको ई नंबर असाइन हुआ है. ये इस चीज़ की तरफ इशारा है, मतलब इस चीज़ की ये निशानदेही है कि ई मतलब किसी एक खास सिस्टम से वो पास होके आया है, उसके बाद उसको ई नंबर असाइन हुआ है. ओके, द फॉलोइंग आर द थ्री और फोर डिजिट्स. अब आगे ई से आगे हम चलते हैं, जो डिजिट्स होते हैं तीन या चार डिजिट्स जो होते हैं वो किस बेस पे दिए जाते हैं. द फर्स्ट डिजिट इंडिकेट्स द कैटेगरी टू विच द एडिटिव बिलोंग्स. मिसाल तौर पे E120 है, उसमें जो ई तो हमने देख लिया कि ई यूरोपियन यूनियन या यूरोप को स्पेसिफाई करता है, उसके बाद ई डैश वन सो ऑन एक्स एक्स या सो ऑन. वन जो है वो किस चीज को जाहिर करता है, डाइज को. इसी तरह अगर जो है फॉर एग्जांपल कलरेंट्स हैं, डाइज हैं, सभी उनके साथ मेंशन होगा वन की कैटेगरी में होगी, तो उनसे हम मतलब लेंगे कि ये डाइज या कलरेंट्स की कैटेगरी है. देन टू फॉर प्रिजर्वेटिव्स. साफ तौर पर 230 है, 212 है, ये सभी प्रिजर्वेटिव्स की कैटेगरी को शो करता है. साफ तौर पर अगर आगे आ जाता है E3 कैटेगरी शो करती है एंटीऑक्सीडेंट्स को. E4 शो करता है स्टेबलाइजर्स, मल्सीफायर्स और थिकनर्स और जेलिंग एजेंट्स, इस कैटेगरी को 4 शो करता है. साफ तौर पर 414 है इसका जो ई के बाद हम 4 इसको हम देखेंगे तो हमें फौरी तौर पर इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि ये स्टेबलाइजर कैटेगरी का ई नंबर है. इसी तरह E5 एसिडुलेंट्स, एसिडिटी करेक्टर्स, एंटी किकिंग एजेंट्स वगैरह इस कैटेगरी में आ जाता है. E6 फ्लेवर इन्हांसर्स हैं या फ्लेवरेंट्स हैं. इसी तरह जो 9 की कैटेगरी है वो स्वीटनर्स है. ये इसी तरह 1 to 9 नंबरिंग चलती है, तो इस बेस पे हम इनको 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन को हम इस तरीके से कंसिडर करते हैं फॉर डाइज, प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, स्टेबलाइजर, मल्सीफायर्स, थिकनर्स, जेलिंग एजेंट्स. फिर 5 में एसिडुलेंट्स हैं, एसिडिटी करेक्टर्स हैं, एंटी केकिंग एजेंट्स एंड फ्लेवर एनहांसर्स और स्वीटनर्स. ओके, सो the second digit refers to the family of the additives. In the case of colorants, it indicates color. In that of antioxidants, it indicates the chemical group to which they belong. अब जो first digit के बाद second digit है वो इस चीज़ को refer करता है उसकी family को, मतलब ये antioxidant किस family से belong करता है. In that case of colorants, it indicates color. In that of antioxidants, it indicates the chemical group to which they belong. Okay, uske baad the remaining digit refer to the particular species and serves to identify the substance.
अब ये तीनों डिजिट्स हमें मतलब खास जो उसकी इंफॉर्मेशन वो डिलीवर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ई, फिर उसके बाद फर्स्ट डिजिट क्या बता रहा है, उसकी कैटेगरी बता रहा है, सेकंड डिजिट उसकी फैमिली बता रहा है, थर्ड डिजिट उसकी स्पीशी को बता रहा है। इसी तरीके से हम इसको लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल E120, फिर E414, E338, E300 एंड सो ऑन। ओके, ये इसका नंबरिंग सिस्टम है। आगे हम कैटेगरीज की बात करते हैं कि जो मुख्तलिफ एडिटिव्स हैं उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और उन कैटेगरीज की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल कलरेंट्स हैं, द प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग डाइज इन फूड्स हैज बीन एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज, सम नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक सैफरॉन का ई नंबर है 164। अब जैसे पहले बताया कि 164 में E16 और 4 किस चीज को जाहिर करता है, यहाँ से आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। However, based on current regulations, many previously used dyes have been withdrawn from the market. अब जैसे मैंने पहले बताया कि हम इन चीज़ों को रेगुलराइज कर रहे हैं और इसमें न्यू वर्जन, इसमें अपडेट्स आती जा रही हैं, उसी बेस पे उनकी क्लासिफिकेशन में भी इम्प्रूवमेंट्स और अपडेशन आती जा रही है इसी बेस पे। अब जितनी भी लिस्ट आप देखेंगे ई नंबर्स की 100 से लेके 1500 तक और जो फर्दर सो ऑन अनरिकॉग्नाइज हैं, उनकी सभी की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब उन कैटेगरीज में आगे चल के आप देखेंगे कुछ कैटेगरीज बिल्कुल मतलब वेकेंट हैं, उनमें कोई इंग्रेडिएंट ऐड नहीं है। तो इसी बेस पे जो साइंटिफिक डाटा उस बेस पे उनमें फर्दर अपडेशन आती जा रही है। सच डाइज कैन बी ग्रुप्ड इनटू नेचुरल एंड सिंथेटिक डाइज, द नेचुरल वंस आर कंसिडर्ड इन जनरल एज इनोकस एंड देयरफॉर द लिमिटेशंस इन देयर यूज आर लेस देन दोज रिलेटेड टू द आर्टिफिशियल डाइज। The dyes are at the beginning of the table of E numbers, covering the number from 100 to 199. अब जो dyes और colorants की category है वो 100 से लेके 199 तक की category है। Some examples are turmeric, इसको E100 में consider किया जाता है, paprika E160C category में इसको consider किया जाता है। Then preservatives की category आ जाती है, preservatives are natural or artificial substances that are used in order to preserve food from excuse me yeah. the action of microorganisms with the aim of preventing them from deteriorating within a certain period of time. Ji please question aap puchhe thoda sa slow chaliye hum understand kar rahe the last slide pe aapne wo bol rahe the ki isko categorize kar rahe hai na wo thoda sa isko last slide pe jaiye जी, आपका क्या क्वेश्चन है? ये हाँ जी, ये जो द डाइज आर दैट बिगिनिंग ऑफ टेबल ई नंबर कवरिंग 102, ये क्या इसका मतलब है, क्या कह रहे थे? ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, 100 से स्टार्ट होती हैं और 1500 तक जाती हैं, ठीक है। 100 टू 199 ये पहली कैटेगरी है जिसमें जितने भी कलरेंट्स हैं या डाइज हैं वो इस कैटेगरी में कंसिडर होते हैं। मिसाल के तौर पे ई नंबर है 100, ठीक है, इसमें टर्मेरिक कलर को स्पेसिफाई किया जाता है। पेप्रिका के लिए E160C कंसिडर किया जाता है। इसी तरह से कोई फॉर एग्जांपल जो कार्मीन या कोचिनियल कलर है उसके लिए E120 और जो वो डिफाइन है, या सेफ्रॉन के लिए E164। मतलब ये 100 से लेके 199 तक जितने भी नंबरिंग स्कीम है जिनसे हम ई नंबर्स को स्पेसिफाई करते हैं। इसी तरह जो बाकी आगे आएंगी लाइक प्रिजर्वेटिव्स हैं या जो स्वीटनर्स हैं, एसिडुलेंट्स हैं और जो भी एडिटिव्स हैं, सभी के लिए कैटेगरी स्पेसिफाई कर दी गई है। प्रिजर्वेटिव्स के लिए 200 से 299 की कैटेगरी स्पेसिफाई की गई है। ओके, तो जैसे इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं कि स्कॉर्बिक एसिड को E200 का नाम दिया गया है, 200 से लेके आगे सो ऑन 299 तक ये चलते हैं। लैक्टिक एसिड के लिए 270 है, पोटेशियम प्रोपियोनेट के लिए 283 है, इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड के लिए E220 है। तो ये मुख्तलिफ प्रिजर्वेटिव्स को शो करता है। जब भी किसी ई नंबर के साथ 2 से स्टार्ट होगा हम उसको प्रिजर्वेटिव की कैटेगरी में कंसिडर करेंगे या उससे उसकी मतलब उसको डेजिग्नेट करेंगे, उससे उसकी पहचान कर सकते हैं।
मतलब 200 से 299 तक की कैटेगरी में कोई भी ई नंबर इंक्लूड होगा, हम उसको कह सकते हैं कि ये प्रिजर्वेटिव की कैटेगरी है। ओके, प्रिजर्वेटिव्स आप सब लोग जानते हैं कि मतलब उसमें प्रिजर्वेशन का इफेक्ट, उसकी शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए मतलब जो भी हम केमिकल कंपाउंड्स या एडिटिव्स यूज करते हैं वो इस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। ओके, अगली कैटेगरी है एंटी ऑक्सीडेंट्स। वी कैन फाइंड द एंटी ऑक्सीडेंट इन द लिस्ट ऑफ ई नंबर इन द रेंज बिटवीन 300 to 399। अगली कैटेगरी 300 से 399 की कैटेगरी में जितने भी कंपाउंड आएंगे वो सभी एंटी ऑक्सीडेंट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें वाइटामिन सी है E300, या टोकोफिरोल है E306 है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल E320, इसी तरह BHT है वो 321 की कैटेगरी में आता है। तो एंटी ऑक्सीडेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर इन लो कंसेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू बायो मॉलिक्यूल्स दैट प्रोटेक्ट प्रिवेंट और रिड्यूस that protect, prevent or reduce the damage they undergo due to oxidation. अब oxidation को avoid करने के लिए, उसमें free radicals की formation को avoid करने के लिए जो हम chemical compounds add करते हैं इस product के अंदर, हम उनको oxidants या oxidative agents के ज़ुमरे में हम लेते हैं। तो oxidants के category 300 to 399 है। एंटीऑक्सीडेंट्स नेचुरल भी हैं, सिंथेटिक भी हैं। इनकी एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया कि मोस्टली जो विटामिन सी है उसको फूड टेक्नोलॉजिकल परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंस है। इस तरह टोकोफिरोल्स हैं जो लाइक इसको हम विटामिन ई भी हम बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी में आता है। BHA है, BHT है। तो ये सारे क्या है, फूड इंडस्ट्री में फूड टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट वन इज़ स्टेबलाइजर्स, थिकनर्स और इमल्सीफायर्स। अब इनकी कैटेगरी है 400 to 499। इस कैटेगरी में स्टेबलाइजर्स भी आते हैं, थिकनर्स भी आते हैं और इमल्सीफायर्स भी आते हैं। स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं, थिकनर्स क्या हैं, इमल्सीफायर्स क्या हैं, सभी लोग फूड इमल्जिस्ट जानते हैं। साफ तौर पर किसी कोई इमल्शन है उसको स्टेबलाइज करने के लिए इसमें इमल्सीफायर्स ऐड किए जाते हैं, लाइक ऑयल इन वाटर इमल्शन है या वाटर इन ऑयल इमल्शन है। इसकी एग्जांपल मिल्क है। इसी तरीके से जो दूसरे हैं लाइक जो स्टेबलाइजर्स, स्टेबलाइजर कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं मुख्तलिफ सोप्स में, मुख्तलिफ जूसेस में यूज़ किए जाते हैं। थिकनर्स यूज़ किए जाते हैं, उनके मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिकल या फंक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक वो टेक्सचर इम्प्रूवर हैं या उनकी इस प्रोडक्ट की डेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसमें ऐड किए जाते हैं। यहाँ पे नॉन फूड टेक्नोलॉजिस्ट लोग भी हैं, जरा चीजों को उस हिसाब से एक्सप्लेन करें। आप कह रहे थे ना कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट समझते हैं। ओके, मेरे इलम के मुताबिक तो सभी फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं हमारी ट्रेनिंग भी। हाउएवर चले मैं इसी को, स्टेबलाइजर जो हैं, थिकनर्स, इमल्सीफायर्स, तीनों जो जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, फूड एडिटिव्स हैं, 400 टू 499 की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। इमल्सीफायर्स जैसे मैंने बताया कि जो मुख्तलिफ किस्म की इमल्शंस को फार्मुलेट करने के लिए इसमें ऐसे केमिकल कंपाउंड जो उनके मिसिबल और इनमिसिबल जो पार्ट्स हैं, लाइक ऑयल को पानी के अंदर मिक्स करना है या पानी को ऑयल के अंदर मिक्स करना है, उन दोनों चीज़ों को नॉर्मल हालात में हम मिक्स नहीं कर सकते। इन दोनों को मतलब पोलर और नॉन पोलर का कंसेप्ट जो इसको आपस में मिसिबल बनाने के लिए हम उसमें इमल्सीफायर्स ऐड करते हैं। इसी तरह थिकनर्स हैं, सूप्स में ऐड होते हैं उसको एक बल्किनेस देने के लिए, उसकी डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसको एक अच्छा माउथ फील, अच्छा टेक्सचर देने के लिए, अच्छी लुक देने के लिए। इसी तरह जूसेस हैं, जूसेस में जो पल्प पार्ट है पानी से वो अलग हो सकता है, उसकी सेटलिंग हो सकती है, इसकी सेटलिंग को अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए स्टेबलाइजर्स या थिकनर्स इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसी तरह क्रीम्स हैं, सॉसेज हैं, शेक्स में ऐड किए जा सकते हैं। सम थिकनर्स सच एज ज़ैंथिन गम है, एगर एगर है, ये भी इसकी एग्जांपल है। ज़ैंथिन गम को 415 से स्पेसिफाई किया जाता है। ओके, आगे आती बात एसिडिटी रेगुलेटर्स एंड एंटी केकिंग एजेंट्स। एसिडिटी रेगुलेटर्स डेफिनेटली जैसा कि नाम
शो करता है कि किसी भी प्रोडक्ट की एसिडिटी को इन्हांस करने के लिए या उसमें किसी हद तक एक प्रिजर्वेशन इफेक्ट देने के लिए भी ये यूज किए जाते हैं। इनकी कैटेगरी है 500 to 599 ई नंबर्स की लिस्ट में। एग्जांपल इसकी सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसका ई नंबर है E500। इसको हम कॉमनली बेकिंग सोडा या बाइकार्ब से सोडा के नाम से भी हम इसको पुकारते हैं। देन इसमें फ्लेवर एनहांसर्स आ जाते हैं। फ्लेवर एनहांसर्स क्या है, किसी भी प्रोडक्ट के फ्लेवर को इन्हांस करते हैं, फ्लेवर को इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग के दौरान लाइक जूस है या कोई और प्रोडक्ट का उसका फ्लेवर मास्क हो सकता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर और ड्यू टू अदर टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस प्रोडक्ट इज दैट इज बीइंग अंडरगॉन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। सो उसको हम प्रॉपरली इन्हांस करने के लिए फ्लेवर इन्हांसर्स यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू FAO फ्लेवरिंग आर द प्रोडक्ट्स added to food to impart, modify, accentuate the aroma of food. Okay, flavoring do not include substances which have an exclusive sweet, bitter or salty taste. अब ये sweet, bitter or salty taste जो additives जिनका ये effect है उनको हम flavorings में नहीं लेते हैं। However, इनके अलावा जितने भी compounds हैं हम flavorings में लेते हैं। अब इसमें आ जाता है शुगर है, विनेगर है, टेबल साल्ट है। अब इनका कोई और मकसद है, शुगर एज अ स्वीटनर यूज होता है, विनेगर को हम फॉर टू सम एक्सटेंट प्रिजर्वेटिव इफेक्ट के लिए भी या किसी हद तक प्रोडक्ट की जो जो नेचर है उसको हम किसी और हिसाब से मॉडिफाई करने के लिए इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ये साल्ट का टेस्ट का इफेक्ट हो सकता है, उसमें इसकी प्रिजर्वेशन इफेक्ट भी हो सकता है। हाउएवर इसको 600 से 699 वाली कैटेगरी में हम ऐड करते हैं। किसी भी ई नंबर जिसमें 6 से लेके 699 तक ई नंबर लगा हो हम उसको फ्लेवर इन्हांसर्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड है E620 है इसका ई नंबर, कैल्शियम ग्लूटामेट इसको हम 623 बोलेंगे, देन कैल्शियम गोनालेट है 629 के साथ हम इसको कंसिडर करते हैं, देन मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG है जिसको हम आमतौर पर वो चाइना साल्ट भी बोलते हैं, इसका ई कोड 621 है। ओके, देन एंटीबायोटिक्स हैं 700 से 899 की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब इनको हम नॉट यूज फॉर फूड एडिटिव्स, हाउएवर दे आर यूज फॉर फीड एडिटिव्स। फीड इंडस्ट्रीज हैं वो इनको ज़्यादातर यूज करती हैं। अभी एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी पे भी काफ़ी मतलब डेवलपमेंट्स आ रही हैं फर्दर, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इनके ई नंबर्स को मतलब इसमें काफ़ी अभी गुंजाइश है, काफ़ी कैटेगरीज अभी वैकेंट हैं इनमें। तो देन स्वीटनर्स हैं, ग्लेजिंग एजेंट्स हैं, फॉर्मिंग एजेंट्स और गैसेज हैं। दीज एडिटिव्स हैव अ वेरी स्पेसिफिक फंक्शन एज दे आर यूज्ड इन फूड टू प्रोवाइड अ स्वीटर टेस्ट। देर आर नेचुरल और आर्टिफिशियल सिंथेटिक स्वीटनर्स एंड दे हैव द हाइएस्ट डिजिट्स इन द फूड एडिटिव टेबल लाइक 9th डिजिट। मतलब इसमें जैसे स्टीवियोसाइड एक्सट्रैक्ट है इसको E960 से डिफाइन करेंगे, इसी तरह सैकरीन है उसको 954 के साथ हम इसको डिफाइन करेंगे। देन कुछ मिसलिनियस एडिटिव्स हैं जिसको हम 1000 से 1399 तक की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। इनमें भी अभी काफ़ी अपडेट्स वगैरह आ रही हैं, काफ़ी पोजिशन में वैकेंट हैं जिस पे फर्दर डेफिनेटली काम हो रहा होगा। तो काफ़ी कंपाउंड्स हैं। देन स्टार्स डेरिवेटिव्स 1400 टू 1499 की कैटेगरी में इनको डेजिग्नेट किया जाता है। ओके, ये कुछ इन्हीं कैटेगरीज की फर्दर रेंजेस हैं। लाइक एक साइड ई नंबर रेंज 100 टू 199 कलरेंट्स हैं, इसमें फर्दर कैटेगरीज हैं 100 से 109 तक येलो कलर्स आते हैं, 110 से 119 तक ऑरेंज कलर्स की कैटेगरी है, फिर 120 से 129 रेड कलर्स हैं, 130 से 39 ब्लू और वायलेट्स कलर्स हैं, फिर 140 से 49 ग्रीन कलर्स की कैटेगरी है, फिर 50 से 59 जो है वो ब्राउन और ब्लैक की कैटेगरी है, देन 60 से 199 तक की गोल्ड और दूसरे जितने भी रिमेनिंग कलर्स हैं इस कैटेगरी में आते हैं। और इस तरह से इनकी फर्दर सब डिविजन्स हैं। देन फर्दर प्रिजर्वेटिव्स की कैटेगरी 200 टू 299
200 से 209 तक सॉर्बेट्स हैं, फिर अगली 10 की कैटेगरी बेंजोएट्स हैं, सॉरी हाँ 10 की कैटेगरी में बेंजोएट्स हैं, फिर अगली 10 की कैटेगरी में सल्फेट्स सॉरी सल्फाइड्स हैं, फिर 30 से 39 फिनोल्स एंड फॉर्मेट्स हैं, देन 242-259 नाइट्रेट्स, इसी तरह एसीटेट्स हैं, लैक्टेट्स हैं, प्रोपियोनेट्स हैं। सो ये इस तरह से 10-10 की कैटेगरी में हर फर्दर कंपाउंड को सब कैटेगराइज किया गया है। देन 300 से 399 की कैटेगरी में फर्दर 10-10 की डिवीजन के साथ स्कॉर्बेट्स, स्कॉर्बिक एसिड आ जाता है, विटामिन सी है, देन एंटीऑक्सीडेंट्स में टोकोफेरोल आ जाता है, विटामिन ई जो है। 310 से 319 की कैटेगरी गैलेट्स और फिर लैक्टेट्स हैं, अगली कैटेगरी में इस तरह सिट्रेट्स, टार्ट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मेलेट्स और एडिपेट्स हैं, देन सेक्शिनेट्स और फ्यूमरेट्स। इसके बाद जो भी अदर हैं वो अगली कैटेगरी में 10 की मतलब ये 70-99 रेंज में आते हैं। फिर 400 से 499 हैं, उसमें पहली 10 की कैटेगरी एल्जिनेट्स हैं, फिर नेचुरल गम्स हैं, अदर नेचुरल गम्स हैं जो रिमेनिंग हैं, फिर पोली ऑक्सीथीन इथीन कंपाउंड्स हैं, नेचुरल मल्सीफायर्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, सेलुलोज, फैटी एसिड, ये सभी की डिस्क्रिप्शन यहाँ से ली जा सकती है। 10-10 की कैटेगरी में उनको मतलब जो भी रेलिवेंट कंपाउंड्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है। देन अगली कैटेगरी 500 से 599 जिसमें एसिडिटी रेगुलेटर्स हैं, एंटी केकिंग एजेंट्स हैं, उनमें फर्स्ट 10 में मिनरल एसिड्स हैं, बेसिस हैं, फिर क्लोराइड्स और सल्फेट्स हैं, फिर सल्फेट्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं। अब ये सारी चीज़ें इनकी फंक्शनल प्रॉपर्टी की बेस पे इनको आगे सब कैटेगराइज किया गया है। देन 600 से 699 फ्लेवर एनहांसर्स में देख सकते हैं आप कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, लाइक ग्लूटामेट्स हैं, इनोसिनेट्स हैं, फिर जो ग्लेजिंग एजेंट्स हैं, स्वीटनर्स हैं, गैसेज, उनमें वैक्सीज आ जाती हैं, सिंथेटिक ग्लेजेज हैं, इम्प्रूविंग एजेंट्स हैं, पैकेजिंग गैसेज हैं, स्वीटनर्स हैं, फोमिंग एजेंट्स हैं, और जो एडिशनल एडिटिव्स हैं वो 1100 से 1599 की कैटेगरीज में ऐड किए गए। न्यू केमिकल्स दैट डू नॉट फॉल इनटू स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन स्कीम्स। अब फर्दर डेफिनेटली इन पे काम हो रहा होगा, इनमें फर्दर अपडेट्स की गुंजाइश मौजूद है। ओके, आगे हम बात करेंगे रेगुलेशन फॉर ई नंबर्स। ई नंबर्स को किस बेस पे रेगुलराइज किया जाता है या उसकी रेगुलेशन का क्या मैकेनिज्म है? ओके, ये जैसे हम जनरली इसमें देख सकते हैं कि जो कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है, अथॉरिटी टू अथॉरिटी वेरी कर सकता है, और ई नंबर्स रिस्ट्रिक्शंस वेरी बिटवीन कंट्रीज डिपेंडिंग ऑन हाउ द लोकल रेगुलेटरी अथॉरिटीज इंटरप्रेट द प्रोडक्ट्स टॉक्सिसिटी रिजल्ट्स। अब अल्टीमेट जो है इसके प्रोडक्ट का हेल्थ कंसर्न जो है उनको देखे जाते हैं, उसका टॉक्सिसिटी लेवल क्या है, टॉक्सिसिटी रिजल्ट्स क्या हैं, उस बेस पे उसको रेगुलराइज किया जाता है। हो सकता है एक ई नंबर किसी कंट्री में बैन है, वो दूसरे कंट्री में बैन ना हो, अब उनकी लोकल कंडीशंस जो हैं वो सारी चीज़ें इस चीज़ को डिटरमिन कर सकती हैं कि उनका लोकल अथॉरिटेटिव परस्पेक्टिव क्या है। फॉर एग्जांपल मुस्लिम कंट्रीज हैं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहाँ पे इस चीज़ का कंसर्न है कि हलाल और हराम का, इसी तरह से इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। आवाज सही नहीं आ रही, पीछे से आवाजें काफी आ रही हैं, डिस्टॉर्शन हो रही है पीछे से आवाज, बैकग्राउंड आ रहा है कुछ। पीछे को लाउड स्पीकर में को बोल रहा था, मैंने कहा वो डिस्टॉर्शन हो रही है। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि जो जितने भी ये इंग्रेडिएंट्स हैं या फूड एडिटिव्स हैं उनका जो टॉक्सिसिटी रिजल्ट्स हैं या उसके हेल्थ पर्सपेक्टिव से जितनी भी साइंटिफिक स्टडी है, डाटा है हमारे पास, उस बेस पे इसको रेगुलराइज किया जाता है कंट्री टू कंट्री या अथॉरिटेटिव जो कमांड्स हैं उस बेस पे इसको। मिसाल तौर पर जैसे हम बात करते हैं हलाल और हराम का कंसेप्ट, इसमें है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको यहाँ पे बैन किया गया है, मुख्तलिफ कलोरेंट्स हैं, मुख्तलिफ और कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको यहाँ पे बैन किया गया है, लेकिन मे माइट इट बी पॉसिबल कि वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पे वो उनको वो मतलब एक्सेप्ट करते हैं, उनको यूज़ करते होंगे, तो इस बेस पे इसको फर्दर
इसको रेगुलेट किया जाता है. द टॉक्सिसिटी इज द एबिलिटी फॉर अ सब्सटेंस टू काज डैमेज विच इज ऑफन रिलेटेड टू हाउ मच ऑफ द सब्सटेंस इज ईटन. ओके, एवरीथिंग इज टॉक्सिक इन अ हाई एनफ डोज. Even caffeine is toxin if high enough of it, but more people do not consume anywhere near a toxic dose, which would be more than 100 cups of coffee. मतलब यहाँ पे इस चीज की तरफ मतलब इशारा किया गया कि जो toxicity additives की toxicity है उसको dose response mechanism के साथ study करने की जरूरत है कि मतलब आया कौन सा chemical compound है, उसकी कितनी dose under acceptable limits है, या उस dose से हम further exceed करेंगे तो वो मतलब उसके health concerns मतलब होंगे. तो इस हवाले से इसका dose response mechanism देखा जाता है. dose response mechanism को देखते हुए ही इनके dose levels को define किया जाता है कि इतने milligram या इतने ppm इस product में flavorants ऐड किया जाना चाहिए, या उस खास प्रोडक्ट के लिए ये चीज कंपैटिबल है या नहीं. व्हाट्स ऑन सम ई नंबर एडिटिव्स आर बैंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड बट नॉट इन ऑस्ट्रेलिया. अब यहाँ पे ये मतलब यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया दो मतलब जो ना दो जो कंट्रीज हैं उनकी आपस में कंपैरेटिव यहाँ पे बताया गया कि फॉर एग्जाम्पल आगे चल के इस पर बात होगी कुछ के कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं वो यूरोपियन यूनियन उसको बैन नहीं करता लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में वो चीज़ें बैन हैं, या हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से स्पेशली देखेंगे कि कौन से कलर हैं, कौन से कंपाउंड्स स्पेशली यहाँ पे बैन हैं. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं अमरंथ. ये कलरिंग कंपाउंड है, इसका ई नंबर है 1, 2, 3 और ये डार्क रेड कलर देता है. इज परमिटेड फॉर यूज इन फूड्स एट कंसंट्रेशन ऑफ अप टू 30 मिलीग्राम पर किलोग्राम इन ऑस्ट्रेलिया एंड द यूरोपियन यूनियन बट इज बैंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यू टू कंसर्न्स इट काजेज कैंसर. अब यूएस में ये बैन है, वो कहते हैं कि ये कैंसर काज करता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ें अलाउड हैं. तो इसमें फिर ये वो मतलब जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन पे ये कंसर्न आ जाते हैं कि वो किस बेस पे उसको बैन कर रहे हैं या किस बेस पे उसको अलाउ करते हैं. हाउएवर एक जनरल मैकेनिज्म इसमें ये कि उसकी जो हेल्थ कंसर्न्स हैं, फूड सेफ्टी पर्सपेक्टिव्स हैं, या उसका जो टॉक्सिसिटी डाटा है उस पे मतलब डिस्कशन होने की ज़रूरत है, उस पे काम होने की ज़रूरत है. उसी बेस पे फर्दर डोज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म पे काम होने की ज़रूरत है कि कितनी डोज और इसका क्या रिस्पांस हो सकता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से. 1971 अ रशियन स्टडी लिंक्ड द डाइट टू कैंसर इन रैट्स. द एफडीए फाउंड लिटिल एविडेंस अमरंथ वाज हार्मफुल. अब यहाँ पे आप दोनों की देख सकते हैं कि एफडीए क्या कह रहा है और रशियन स्टडी क्या कह रही है. रशिया ये क्लेम करता है कि रैट्स में कैंसर का बायस बना जब इन्होंने एफिकेसी स्टडी इसकी की, तो एफडीए ये कहता है कि ये इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं. In one study, female rats given high doses did have an increase in malignant tumors. However, the dose was so high a human would have to drink 7,500 cans of soft drink in a day to reach it. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी डोज अगर दी जाए जो कि impossible है, मतलब इतनी डोज पे जाके ये कार्सिनोजेनिक बिहेवियर शो करता है, तो इस चीज को भी हमें कंसिडर करने की जरूरत है. Following significant public outcry in 1976, the FDA banned this food coloring. 1976 में FDA ने इसको बैन कर दिया गया. Food manufacturer in the United States could apply to have its retested, but that is an expensive process. मतलब overall generally speaking ये कि इसकी जो efficacy trials वो करने की ज़रूरत है ताकि इसके dose response mechanism को check करके इसको further मतलब categorize किया जाए either it is banned और अलाउड. हाउएवर ये कंट्री टू कंट्री डिफर करता है. इसी तरह टार्ट्राजीन है जिसको हम 102 में कंसिडर करते हैं. साइंटिफिक स्टडीज कंफर्म्ड इट वाज नॉन टॉक्सिक एंड सेफ फॉर कंजम्पशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन. प्रोडक्ट्स कंटेनिंग टार्ट्राजीन मस्ट कैरी अ वार्निंग दैट दे मे कॉज एलर्जिक टाइप रिएक्शन इन ससेप्टिबल इंडिविजुअल्स.
वन स्टडी फाउंड दैट टर्टल लेड टू एन एलर्जिक रिएक्शन. अब इसमें ये है कि मतलब इसकी टॉक्सिसिटी जो नॉन टॉक्सिक इसको कंसिडर किया जाता है, और इसके कुछ एलर्जिक रिएक्शन या उसके टॉक्सिक कंसर्न एलर्जिक कंसर्न हो सकते हैं इंडिविजुअल्स में, लाइक एस्थमा काज कर सकता है ये कंपाउंड, या मतलब इससे रिलेटेड जो एलर्जिक रिएक्शंस काज कर सकते हैं बच्चों के अंदर, खासतौर पर हाइपर सेंसिटिविटी काज कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें, इन कंसर्न्स को हमें देखने की ज़रूरत है. अब हम बात करेंगे ई नंबर्स एंड देयर हलाल और हराम स्टेटस. अब इस सेशन से पहले एक क्वेश्चन था कि किस बेस पे हम इसको मतलब रेगुलेट करते हैं. तो एक तो उसका जो साइंटिफिक डाटा है, उसकी जो फूड सेफ्टी कंसर्न्स हैं, या उसका जो हेल्थ कंसर्न्स हैं टॉक्सिसिटी के हवाले से, उस बेस पे हम उसको देखते हैं. या दूसरा हमारा जो बीइंग ए मुस्लिम, हम इसको हलाल या हराम पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इसकी हम बात करते हैं. कुरान पाक के अंदर हलाल के बारे में काफ़ी जगहों पे आयात नाजिल हुई हैं जिसमें हलाल की अहमियत पे जोर दिया गया है. इसी तरीके से हराम के बारे में ममनुआत आई हैं, कैसे हराम से बचना है. यहाँ पे सूरह बकरा में हम देखते हैं एक आयत मुबारका है, या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यिबन वला तत्तबियू खुतुवातिश शैतानी इन्नहु लकुम अदुवुम मुबीन. ओ मैनकाइंड, ईट फ्रॉम वट एवर इज ऑन अर्थ दैट इज लॉफुल एंड गुड एंड डू नॉट फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ शैतान, इनडीड ही इज टू यू अ क्लियर एनिमी. अब इस सूरह मुबारका में बेसिकली दो चीज़ों के बारे में अहमियत आई है. हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब आई मीन्स टू से फूड, इसमें हलाल और तैयब का कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया है. हलाल अन तैयबन, हलाल मीन्स लॉफुल परमिसिबल फॉर मुस्लिम्स, और तैयब का जो कंसेप्ट है ये फूड सेफ्टी का कंसेप्ट है. मीन्स टू से कि यहाँ पे हलाल अन तैयबन दोनों चीज़ें मतलब आपस में एक जगह पे आई हैं कि जो चीज़ें हैं वो हलाल भी हों और वो तैयब भी हों. हलाल तो हम देखते हैं, तैयब को हम फूड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि मतलब पाक हों. तो हमारा जितना भी फूड सेफ्टी का कंसेप्ट है वो यहीं से वो बेस करता है कि तैयब हो. इसी तरह एक और जगह पे कुरान पाक में है, फाकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तैयबन देन ईट ऑफ व्हाट अल्लाह हैज़ प्रोवाइडेड फॉर यू विच इज़ लॉफुल एंड गुड. मतलब हलाल और वो साफ सुथरा हो, हलाल भी हो और वो पाक भी हो. तो ये दो कंसेप्ट को हमें समझने की ज़रूरत है. बीइंग ए मुस्लिम्स, हमें इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है. हम इन चीज़ों पे फोकस करेंगे, हमारी फूड सेफ्टी भी इसी में कवर हो जाएगी, हमारे जो हलाल का कंसेप्ट है वो भी इसी चीज़ में कवर हो जाएगा. फर्दर कुछ आयात हैं जिनमें इसमें डिटेल्स आई हैं कि हलाल कौन कौन सी चीज़ें हैं और किन चीज़ों से बचना है. हाउएवर हम यहीं पर अपनी स्टडी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं कि हलाल का कंसेप्ट क्या है. अब जब हम हलाल और हराम की बात करते हैं तो इसमें बुनियादी तौर पे तीन टर्म्स बोली जाती हैं. कुरान पाक में भी इस चीज़ का जिक्र है, हलाल मशबू और हराम. हलाल तो ये चीज़ है जिसको हम टोटली डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब उसकी जो बेस है वो डेफिनेटली कुरान पाक है. इसी तरह से हराम है जो कि टोटली फॉरबिडन है, और इन दोनों के बीच में एक चीज़ है जिसको मशबू कहते हैं. मशबू, इसके बारे में भी आगे फर्दर डिस्कशन आएगी कि मशबू क्या है, या ई नंबर्स कौन कौन से मशबू हैं, उनकी बेस क्या है, किस बेस पे मशबू किया गया है, या किस बेस पे हलाल है या किस बेस पे वो हराम है. आगे फर्दर चल के हम इन चीज़ों सबको देखते हैं. ओके जी, नाउ वी विल टॉक अबाउट हलाल ई नंबर्स. कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो हलाल हैं? तो पहली तो बात ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो फूड प्रोसेसिंग करती है, पैकेजिंग करती है, या इससे रेलेवेंट जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, उसके लिए अगर वो क्लेम करते हैं कि हमारे इंग्रेडिएंट्स सभी हलाल हैं, तैयब हैं, उनके लिए फिर हलाल की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है.
खास तौर पे पाकिस्तान में तो लाजमी तौर पे इस चीज़ की जरूरत है। हाउएवर हलाल एक वॉलंट्री स्टैंडर्ड है, वॉलंट्री इन दैट सेंस के मतलब ये नहीं है कि जिसका जो दिल चाहे वो करता फिरे, दिल करे तो वो हराम उसमें ऐड करें, उनको कोई पूछने वाला, कोई रेगुलराइज करने वाला कोई अदारा नहीं, ऐसी बात नहीं है। सभी इदारे मौजूद हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं अपनी जगह पे। हाउएवर वॉलंट्री इन दैट सेंस कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहे कि उनकी जो प्रोडक्ट है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, जो एडिटिव्स ऐड किए गए हैं, उनकी अपनी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने के लिए वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेशन बॉडी से, सीबी से, वो हलाल की सर्टिफिकेशन ले सकती है। उनका फिर हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी का फिर बकायदा एक मैकेनिज्म होता है, उनके एसओपीज हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, किन चीज़ों को फॉलो करके वो हलाल की सर्टिफिकेशन देते हैं, और वो एक अलग डिबेट है। यहाँ तक जस्ट ये है कि हलाल को फर्दर ऑथेंटिकेट करने के लिए उसकी हलाल की सर्टिफिकेशन कराना ज़रूरी है, और ये हलाल प्रोडक्ट बेस्ड सर्टिफिकेशन होती है, मतलब प्रोसेस बेस्ड नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स वो प्रोसेस करती है, तैयार करती है, तो हर प्रोडक्ट जो भी उस कैटेगरी से हट के होगी उसके लिए अलग से हलाल सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत होती है। ओके, यहाँ पे हम मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे जो हलाल कैटेगरी में आते हैं। मिसाल के तौर पे E100 है, इसको करकुमिन बोलते हैं, इसका यहाँ मुख्तलिफ उसके दिए गए हैं, एक अल्टरनेटिव नेम दिया गया है। इसी तरह उसका फंक्शन क्या है, रोल क्या है, इसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी क्या है, इसका स्टेटस क्या है, हलाल है, हराम है, मशबूह, वो दिया गया है। देन उसका सोर्स कंपाउंड सोर्स दिया गया है कि सोर्स से वो हासिल होता है। फिर हेल्थ इंफॉर्मेशन क्या है, उसका हेल्थ परस्पेक्टिव क्या है, टॉक्सिसिटी लेवल क्या है, फिर उसकी यूटिलाइजेशन कैसे है, यूज़ कैसे है, वो भी यहाँ पे दिया गया है। ओके, करकुमिन E100 से इसको डेजिग्नेट करते हैं, 1,7-bis-4-hydroxy-3-methoxy-phenyl-1,6-hepatidine-3,5-dione-turmeric येलो कलर देता है। और इसका जो है, जो इसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये कलरिंग एजेंट है, येलो कलर ये देता है। स्टेटस इसका हलाल है, परमिसिबल है, एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स क्लियर करता चलूँ कि ये जितने भी मैं हलाल और हराम की यहाँ पे डिस्कशन होगी, इसका जो सोर्स है ना, वो एक तो जो पाकिस्तान में सर्टिफिकेशन बॉडी काम कर रही है सनहा, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ली गई है। अगर आप मज़ीद आप इसकी ऑथेंटिसिटी चाहते हैं, कंफर्मेशन चाहते हैं, तो आप वहाँ से इस चीज़ को एज सच कंफर्म कर सकते हैं। ओके, इसका सोर्स जो है वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट है, ऑरेंज येलो कलर ये देता है। हेल्थ कोड इसका ग्रीन है। अब यहाँ पे जितनी भी आगे डिस्कशन होगी सभी में मुख्तलिफ हेल्थ कोड्स यूज होंगे, लाइक ग्रीन, येलो, रेड। अब यहाँ पे ये इसकी जो टॉक्सिसिटी लेवल है उसको वो कंपैरेटिवली ये ग्रेजुअली ये इसको मतलब डिफाइन करता है। लाइक ग्रीन है तो इसका मतलब ये कि इसका हेल्थ इम्पैक्ट्स एज सच कोई नहीं है, इसका टॉक्सिसिटी लेवल बिल्कुल जीरो है। ठीक है, हैज़ मैनी बेनिफिशियल हेल्थ इफेक्ट्स, मे काज स्किन इरिटेशन, मॉडरेटली टॉक्सिक बाय इंजेक्शन। इसी तरह से इसके यूजेज में क्या है, करी पाउडर, फिश फिंगर्स, मार्जरीन में यूज होता है, कन्फेक्शनरी में यूज होता है, प्रोसेस्ड चीज या सेवरी राइस में यूज होता है। देन E101 राइबोफ्लेवन है, इसको लैक्टोफ्लेवन या इसको वाइटामिन B2 या वाइटामिन जी भी बोलते हैं। कलरिंग कंपाउंड है, हलाल है। माइक्रोबायोलॉजिकल इसका जो सोर्स है, सिंथेटिकली इसको प्रिपेयर किया जाता है। ये सेफ इन फूड यूजेस है। ग्रीन इसका हेल्थ कोड है, इसका बेनिफिशियल हेल्थ इफेक्ट्स इन दी बॉडी। ये बेबी सीरियल्स में यूज होता है, एनरिच्ड ब्रेड्स में यूज होता है, पीनट बटर्स में, फिर इस तरह ब्रेकफास्ट सीरियल्स में, और इसकी अदर यूजेस वाइटामिन टेबलेट्स भी इसकी अवेलेबल है राइबोफ्लेविन की। देन टार्ट्राजीन कलर है। ओके, इसको FDNC येलो 5 इसको बोला जाता है। इसी तरह ये कलरिंग कंपाउंड हलाल कैटेगरी में आता है, और ये सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड कलर है। रेड कैटेगरी में इसको कंसिडर किया जाता है जो कि एस्थमा काज कर सकता है, डर्माटाइटस, स्किन की इरिटेशन, इचिंग काज कर सकता है, या कोई इसके एलर्जिक रिएक्शन टाइप इस तरह का हो सकता है।
मतलब स्पेस पे इसको फर्दर कैटेगराइज किया जा सकता है, जो भी ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स हैं वो उसके अकॉर्डिंगली इसको मतलब देख के इसका यूज कर सकते हैं। या मतलब लेबलिंग पे मेंशन करने का मकसद तो यही है ना कि जो भी इंडिविजुअल हैं उसको अकॉर्डिंग टू देयर डाइटरी नीड्स या अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ मुतलका वो जो भी इंग्रीडियंट उस प्रोडक्ट में है या नहीं उसके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर ये कन्फेक्शनरी में यूज़ होता है, स्वीट कॉर्न, चीज क्रैकर्स या समथिंग लाइक दैट प्रोडक्ट्स, लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, मिंट सॉस, मिंट जेली, फ्रूट जूसेस वगैरह वगैरह। देन E110 सनसेट येलो कलर इसको बोलते हैं, कलरिंग कंपाउंड है, हलाल है और सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है। ये भी एस्थमा या एब्डोमिनल पेन, एक्जिमा काज कर सकता है, हाइपर एक्टिविटी काज कर सकता है। अब ये जितने भी इसके हेल्थ इंपैक्ट्स लिखे गए हैं, ये एक तो ये एक सब्जेक्ट टू इट्स ओवरडोजिंग और इट्स और इट्स ओवरडोजिंग की वजह से हो सकता है, या इसका जो मतलब एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए अगर इसको यूज किया जाए तो तब ये रिएक्शंस हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जो ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स हैं वो इस तरह के इफेक्ट्स मतलब हेल्थ इंपैक्ट्स वो शो कर सकते हैं। फूड जूसेस में इसको यूज किया जा सकता है या सीरियल या कन्फेक्शनरी वगैरह में इसको यूज किया जा सकता है। देन E132 इसको इंडिगो कार्बिन बोलते हैं, ये कलरिंग कंपाउंड है, इसको भी फर्दर सिंथेटिकली केमिकली प्रिपेयर किया जाता है। इसका हेल्थ कोड जो रेड है, इस तरह एस्थमा और एलर्जिक रिएक्शंस काज कर सकता है। इसको बॉटल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है, स्वीट बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आइसक्रीम, बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। देन E133 ब्रिलियंट ब्लू, ये वो जितने भी ये टेबल मैंने ये यहाँ पे शो किए हैं इंग्रेडिएंट्स या एडिटिव, ये सभी मतलब वो हैं जो नॉर्मली रूटीन में ज़्यादा यूज होते हैं या फूड टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। हाउएवर बाकी भी सभी हैं, मैं इसका सोर्स यहाँ पे स्लाइड के अंदर मौजूद है, आप उस सोर्स से इनको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। देन सर एक क्वेश्चन है मेरा जी, अभी आपने बताया कि हलाल और हराम हम कैसे मतलब हम ई कोड से कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है इसकी जिससे हमें अंदाजा हो जाए ई नंबर को देखते ही, जैसे आपने पहले डिस्कस किया है, था। बिल्कुल है, ये चीज तो मैं मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ई नंबर्स हैं हम उस बेस पे इनको कैटेगराइज कर सकते हैं हलाल और हराम। आगे अगली स्लाइड्स में इस बारे में सारी डिस्कशन है, जस्ट बी काम इंशाल्लाह हम उस बारे में भी सारी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि कौन सा कलर ये तो जी बिल्कुल। ओके अब डेक्सट्रीन है, इसको पायरोडेक्सट्रीन या टेरोफेक्शन डेक्सट्रीन बोलते हैं, हलाल इंग्रेडिएंट है, ये स्टार्च की हाइड्रोलिसिस के बाद कंपाउंड ये सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है। डेक्सट्रीन डेक्सट्रोज है या मॉडिफाइड स्टार्च है, अल्कलाइन मॉडिफाइड स्टार्च हैं, ये सभी कंपाउंड्स मेज प्रोसेसिंग की बाई प्रोडक्ट्स हैं। रफान में अच्छा खासा ये प्रोडक्ट तैयार होता है और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार होता है, और भी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लोकली यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। ओके देन एरिथ्रोसिन है, कलरिंग कंपाउंड है, हलाल है और सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड है। इसका कलर हेल्थ कोड जो रेड है और ये एस्थमा और स्किन इचिंग काज कर सकता है। इसको कैंड फ्रूट्स, कॉकटेल्स, बिस्किट्स या जो है कैंड चेरीज या इस तरह की प्रोडक्ट्स में इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। इसके अलावा अदर जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक टूथपेस्ट हैं, डेंटल डिस्क्लोजिंग टेबलेट्स हैं, इस तरह की मेडिकेशन वगैरह में इसको यूज किया जा सकता है। देन E150 कैरमल कलर है, ये भी बड़ा मतलब यूज होता है फूड इंडस्ट्री में, हलाल इसका जो स्टेटस है। देन सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है। इसका हेल्थ कोड इसका येलो है, हाइपर एक्टिविटी क्रिएट कर सकता है, सॉफ्ट टू लिक्विड स्टूल्स मतलब जो जो स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हैं वो काज कर सकता है, या ब्लड टॉक्सिसिटी इन रैट्स, ये भी इसकी एफिकेसी स्टडी शो करती है। इसी तरह से ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, जैम्स या कन्फेक्शनरी वगैरह में यूज़ किया जाता है। देन बीटा कैरोटीन, वेल बड़ा अहम कलर है, मतलब फूड इंडस्ट्री में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, हलाल इसका स्टेटस है। इसी तरह कैरेट्स
इसको समटाइम्स बीट रूट से भी अखज़ किया जाता है। हेल्थ कोड इसका ग्रीन है, सेफ टू यूज़ फॉर एट लो लेवल्स। ये डेरी ब्लेंड्स में, रिड्यूस्ड फैट स्प्रेड्स में, केक्स जैम्स चीज़ में ये यूज़ किया जा सकता है। नेटो कलर है 160B। इसी तरह एंथोसाइनिंस हैं, फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी कलरिंग कंपाउंड है, E170 है। सो यहाँ से रेलिवेंट सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ली जा सकती है, जो भी मिथाइल का कलरिंग कंपाउंड है। अगेन मैं बता रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स है इंडस्ट्री में यूटिलाइज हो रहे हैं, उनको यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड है, E210 के साथ इसको डेजिग्नेट किया जाता है। ये प्रिजर्वेटिव इफेक्ट है इसका, इस तरह फ्लेवरेंट भी है ये। मुख्तलिफ जो ब्रियोड सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज होता है, साइडर एंड नॉन डेरी डिप, क्यूइंग गम्स में यूज होता है, फ्रूट जूसेस, मार्जरीन, आइसक्रीम वगैरह में यूज होता है। हेल्थ इम्पैक्ट्स इसके ये कि एलर्जिक रिएक्शन काज कर सकता है, इरिटेशन स्किन की काज कर सकता है। देन सोडियम बेंजोएट बहुत इंपॉर्टेंट प्रिजर्वेटिव है, नॉर्मली एज अ प्रिजर्वेटिव यही यूज होता है, E211, E211। तो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस या इसके पीछे इस्तेमाल करने की जो इसकी बेस है वो ये है कि सोडियम बेंजोएट, जितनी भी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो गर्म करके जिनको तैयार किया जाता है, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट सॉरी ये जूसेस हैं हमारे, जैम्स हैं या अदर लाइक पेस्ट्स हैं, पल्प्स हैं, उनमें मोस्टली ये यूज़ होता है। इसी तरह एस्टिक एसिड है, E260 है, ये भी सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है, ग्लेशियल एस्टिक एसिड की डाइल्यूशन करके इसको प्रिपेयर किया जाता है। देन लैक्टिक एसिड है E270, इसकी बेस जो है वो डी लैक्टिक एसिड है, डी जो 2-hydroxy प्रोपानोइक एसिड। देन वाइटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, E300 स्कॉर्बिक एसिड इसकी बेस है, और ये प्रिजर्वेटिव और एज एन एंटी ऑक्सीडेंट यूज होता है, और ये बायोसिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है। इसका ग्रीन कैटेगरी में इसको डिफाइन किया जाता है। ये कन्फेक्शनरी, ब्रेकफास्ट सीरियल मोस्टली ये यहीं पे इन प्रोडक्ट्स में यूज होता है, या कुछ जो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनमें भी ये यूज होता है। इसी तरह लेस्थिन है, सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड एसिडिटी रेगुलेटर भी है टू सम एक्सटेंट, इसको एज अ प्रिजर्वेटिव इफेक्ट भी इसका यूज किया जाता है। देन फ्लेवरिंग भी है, खट्टा टेस्ट भी इसको देता है, आम जबान में इसको टार्टरी भी बोला जाता है। देन सोडियम साइट्रेट है, ये भी रेगुलेटरी इन्हांसर है, एज अ एमल्सीफायर भी है, और टू सम एक्सटेंट इसको हम एज अ प्रिजर्वेटिव इफेक्ट भी इसको हम यूटिलाइज करते हैं। ओके जी, ये डिस्कशन थी हलाल के बारे में, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस कैटेगरी में है। इसके अलावा और भी एक लंबी लिस्ट है जो कि हलाल कैटेगरी में आती है, हाउएवर आप वो सनहा से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, इसका सोर्स मैं आपको दे दूंगा। सनहा की वेबसाइट पे भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ से ली गई हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट मशबूह ई नंबर्स। जैसे कि मैंने पहले बताया कि तीन कैटेगरीज हैं, हलाल, हराम, और उन दोनों के दरमियान में एक है मशबूह ई नंबर्स। मशबूह मीन टू से ऐसी चीज़ जिसके बारे में मेक श्योर ना हो, कोई सर्टन मतलब क्लैरिटी ना हो, जिसके बारे में कुछ हद तक शुबा मौजूद हो, मतलब जो चीज़ें हम जिनको हलाल या हराम मतलब तजबजब में हों कि ये चीज़ आया हलाल है या हराम है, इसको हम मशबूह की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। इनका ओरिजिन अननोन हो सकता है या डाउटफुल ओरिजिन हो सकता है। इसकी जो बड़ी एग्जांपल है वो जेलेटिन है। जेलेटिन हमेशा से हमारी सोसाइटी में एक डिबेटेबल कंपाउंड रहा है, जिसके बारे में काफ़ी कंसर्न्स हैं। हाउएवर फूड टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, लेकिन फिर भी ये जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इसको डिबेटेबल ये रहा है, इस पर फर्दर स्टडीज़ करने की ज़रूरत है या इसके सोर्स को देखने की ज़रूरत है। दैन मुख्तलिफ इंजाइम्स हैं, कुछ इमल्सीफायर्स हैं इसमें, इस कैटेगरी में आते हैं, या कुछ फ्लेवर्स हैं जो इस कैटेगरीज में आते हैं। सो इसमें जो है लाइक कैनाजेंथीन है, E161G इसको बोलते हैं, ये कलरिंग कंपाउंड है, इसको मशबूब कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। देन इसका सोर्स है मशरूम, और मशरूम की कैटेगरीज हैं आगे, टाइप्स हैं क्रस्टेशिया, सॉरी
मशरूम्स हैं, क्रस्टेशिया, फिर फिश हैं, देन इसका जो हेल्थ कोड है वो येलो है, मीन्स लॉस ऑफ नाइट विजन प्रोलॉन्ग्ड, अगर इसका इंप्लाइज किया जाए तो ये हेल्थ इम्पैक्ट ये शेयर कर सकता है। हम पार्टिसिपेंट से एक मिनट के लिए यहाँ पे मुख्य इख्तियार करेंगे अजान का टाइम है। हेलो वेलकम बैक जी। ओके वी आर टॉकिंग अबाउट कैनाजेंथीन, इसके बाद बात आती है ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बारे में भी कुछ मतलब शकुको शुभात हैं, इसी बेस पे इसको मशबू कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है, इसको एज अ ह्यूमेक्टेंट या एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। कन्फेक्शनरी या ड्राइड फूड्स या लो कैलोरीज फूड्स में इसको यूज किया जाता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड है, एज अ पैकिंग गैस भी यूज किया जाता है, इसी तरह से एज अ प्रिजर्वेटिव भी इसको यूज किया जाता है। पार्टिसिपेंट से आवाज आ रही है सबको, एक दफा कंफर्म कर दीजिए। ओके कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहे थे। देन पेक्टिन है, पेक्टिन एज अ जेलिंग एजेंट यूज होता है इंडस्ट्री में। इसी तरह जेलेटिन है, ये भी एज अ जेलिंग एजेंट यूज होता है। इसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम टेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इनका सोर्स भी अभी तक मतलब जो उस बारे में शकुक व शुबहात आते हैं कि अदर इट शुड बी फ्रॉम एनिमल सोर्स, हलाल है या हराम है, इस पर मुख्तलिफ मुफ्तियाने किराम के फतवे भी मौजूद हैं। सो नेक्स्ट इज
स्टेरिक एसिड ये मल्सीफायर है या बाइंडर है, ये मशबू कैटेगरी में आता है, एनिमल और वेजिटेबल ऑयल से इसको खर्च किया जाता है, ये एसेंस में यूज होता है, देन सॉफ्ट ड्रिंक्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में यूज होता है, फूड फ्लेवर ड्रिंक्स में भी यूज होता है, देन एल-सिस्टीन है या स्टीराइल टार्टारेट है, ये भी एज अ स्टेबलाइजर या ये एमल्सीफायर यूज होता है। ओके, मुख्तलिफ डोज वगैरह में इसको यूज करते हैं। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे हराम ई नंबर्स, कौन से ऐसे ई नंबर्स हैं जो हराम कैटेगरी में आते हैं। हराम मीन्स अनलॉफुल, ये तो फ्रॉम जो है हमारा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको हराम बोलते हैं। हाउएवर इसको साइंटिफिकली भी इज नॉट डिक्लेयर्ड गुड फॉर हेल्थ। ये दोनों बेसिस हैं जिस बेस पे हम इसको हराम कैटेगरी में यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो जो मोस्ट डिबेटेबल इंग्रेडिएंट इन दिस कैटेगरी दैट इज E120, जो कि एक रेड कलरिंग कंपाउंड है जिसको हम कार्मिनिक एसिड बोलते हैं या कार्मिन कलर सिंपली हम इसको बोलते हैं। तो इसको आमतौर पे कोचिनियल कलर भी बोला जाता है। ये हराम कैटेगरी में आता है। ये एक कीड़ा है, इंसेक्ट है, जिसको हम कोचिनियल बग बोलते हैं। ये उस बग से हासिल किया जाता है, उसको पीस के उसको ड्राई करके उससे ये रेड कंपाउंड हासिल किया जाता है, जो कि एस्थमा का बायस बन सकता है, अदर जो डिजीजेस हैं लाइक फीवर है, हाइव्स है, एस्पिरिन, सेंसिटिव पीपल मे विश टू अवॉइड, मतलब ये जितने भी हेल्थ कंसर्न्स हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए। ये टोटली डिक्लेयर्ड है पाकिस्तानी कम्युनिटी में अंडर ड्यू टू इट्स हराम सोर्स के ये कीड़े से अखज किया जाता है। तो पंजाब फूड अथॉरिटी या अदर फूड अथॉरिटी सभी इसको पाकिस्तान में बैन करती हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शन इनकी मौजूद हैं इस कलर के ऊपर। तो हाउएवर कुछ एग्जांपल्स पिछले दिनों रही हैं कि पाकिस्तान में काफ़ी इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज जो इसको यूज़ करती रही हैं वो बाद में पकड़े भी गए हैं, तो जुर्माने भी आए हुए हैं, बैन भी हैं वो लोग। तो आगे इस बारे में भी हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। हाउएवर ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कार्मीन, ये इसको कोचिनियल कलर भी बोलते हैं, इसका ई कोड है 120। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कलर कि दिस कलर इज हराम। इस पे मुख्तलिफ फतवे भी मौजूद हैं, आप उनसे भी हेल्प आउट ले सकते हैं, सनहा की वेबसाइट पर मौजूद हैं, अदर जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं पंजाब हलाल डेवलपमेंट एजेंसी है PHDA या जो KPK फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी है उनकी भी क्लियर गाइडलाइंस मौजूद हैं इस कलर के ऊपर। ये टोटली हराम कलर है, ये रेड कलर देता है, ये एक बग है जो ये मतलब ये जो कैक्टस के प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर वो पलती है, उसको वहाँ से वो हासिल करते हैं, उसको खुशक करते हैं, उसको ग्राइंड करके फिल्टर करके उसकी ट्रीटमेंट करके फर्दर उसको कलर की शेप में लेके आते हैं। तो यहाँ से आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसी तरह से जो कोचिनियल जो रेड कलर के कंपाउंड्स हैं वो भी टोटली हराम हैं, या जो ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें ये कलर ऐड किया गया होगा वो सारी प्रोडक्ट्स हराम डिक्लेयर हो चुकी हैं। तो इस चीज़ को आप दोबारा से रिमाइंड कर लीजिए, E120 कार्मीन और कोचिनियल कलर वो हराम है। ओके, अब यहाँ पे हम किसी को स्पेसिफाई नहीं करना चाहते, लेकिन एज अ केस हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। फिर से मैं क्लियर करता चलूँ कि हम एज अ केस यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पिछले दिनों जो एक मशहूर ब्रांड जो उनकी जो प्रोडक्ट लिस्ट है उसमें भी देखा गया इंग्रेडिएंट्स में ये कलर E120 लिखा गया था, मेंशन हुआ था कि उन्होंने E120 यूज़ किया गया है, कार्बीन कलर, कलर ऑब्टेंड फ्रॉम अ ड्राइड फीमेल इंसेक्ट कोचिनियल बग, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर हलाल यूज़, सो इसको टोटली हमने अवॉइड करना है।